अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। नाइट कर्फ्यू के दौरान वाहनों की रफ्तार में तेजी आ गई है और राजधानी सहित ग्रामीण इलाकों में भी वाहनों की तेज रफ्तार का कहर बुधवार रात को कई जगह पे देखने को मिला। पहला हादसा तो 14 नंबर पुलिया के पास हुआ, जो एक तेज रफ्तार ट्रेलर पहले तो कार को टक्कर मारी और फिर एक पान की थड़ी में जा घुसा और थड़ी के पास खड़ी मोटरसाइकिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं दूसरा हादसा हरमड़ा क्षेत्र के जयपुर सीकर हाईवे स्थित भैरो खेजड़ा गांव में हुआ, जहां तेज रफ्तार एक अज्ञात वाहन ने दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी और तकरीबन 100 मीटर तक मोटरसाइकिल को बस उड़ाता हुआ ले गया। अंधेरा होने के कारण वाहन चालक वाहन को लेकर मौके से भाग छूटा और दोनों युवक सड़क पर तड़प रहे थे, जहां कुछ देर बाद उधर से राहगीर निकले, जहां उनकी नजर उन दोनों युवकों पर पड़ी, जहां घायल अवस्था में देखा तो तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना दी। सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया।